मेरी समझ लें, मैं नौजवानों से अपने भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं कि इमरान डाइस पर आ गए हैं, इमरान को आने दें और उन्हें अपनी जगह पर अपनी सीट पर बैठने दें। कोई भी साहब अभी एकदम ये सिलसिला न करे। अच्छा, ये सहावर के कुछ नौजवान साथी हैं, फैजान और उनके दोस्त जो मोमेंटो भी दिया जाना है, शॉल से भी उनका इस्तकबाल होना है। वैसे उनके पास पहले से एक शॉल है जी, एक शॉल से इस्तकबाल उनका किया जा रहा है। हजरत गिरामी, अब आप समझ रहे हैं कि मैं यहां इस माइक पर क्यों आया हूं। शोहरतें जिस नौजवान का तवाफ कर रही हैं, या अगर मुझे कहने दें तो मैं ये कहूं कि सच बोलना कल भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है। कल भी सच बोलना दार पर चढ़ने का काम था, आज भी दार पर चढ़कर सच बोला जाता है। मुझे आप कहने दें तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमें ये सिखाया गया है, हमें ये तालीम दी गई है कि मायूसी कुफ्र है, मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए। एक ऐसा नौजवान जो अपने कलाम के जरिए टूटे बिखरे हुए हौसले को फिर से समेटता है और लोगों को मायूसी से बाहर निकलने के लिए आमादा करता है, उस नौजवान को माइक पर आने का वक्त आ गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा ईमान ये है कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। ये हमारा यकीन है और इस यकीन के साथ आइए तमाम जख्म शुमार करें, जहां जहां से हम टूट रहे हैं उस टूटन को समेटें और उन जख्मों का मरहम तलाश करें। और इसके लिए ऐदे हाजिर का बहुत ही महबूब शायर, जिसके आसपास शोहरतों का अंबार है, जिसके आसपास मोहब्बतों की भीड़ है, जिसके आसपास नौजवानों की धड़कनों का शोर है, ये सब कुछ हम महसूस करेंगे जब आप मुलाकात करेंगे जनाब इमरान प्रतापगढ़ी से। मैं गुजारिश करता हूं इमरान प्रतापगढ़ी से कि तशरीफ लाए और अल्लाह से नवाज़े। एक बार बाहर आना चाहता हूं। बेटा बैठ बैठ जा जरा। एक बात और कहना चाहता हूं इमरान को, अगर आप अच्छे से सुनेंगे ये बहुत अच्छी बात है। इस वक्त कोई सेल्फी वगैरह का काम ना करें, इमरान को पढ़ने दें, उसके बाद में सेल्फी वगैरह का अपना मामला कीजिएगा, ठीक है? भाई भाई जाइए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर दें। पटियाली, गंज डुंडवारा, सहावर, ये जो इलाके हैं, यहाँ की तमाम आवाम से एक बड़ा गहरा सा रिश्ता है।
हाँ कासगंज भी, कासगंज के अंदर ही तो ये सारा आता है। मैं पिछले तीन चार दिन से गुजरात इलेक्शन में था और ये मोहतरमा पूर्व विधायक जी का हुक्म था, उनका आदेश था और मैं आपके बीच हाजिर हूँ। मुझे सीधे यहाँ से फिर वापस एयरपोर्ट जाना है और फिर अहमदाबाद के कैंपेन में निकलना है, लेकिन आप सबसे मिलने का जो मौका मिला तो मुझे लगा कि नहीं आप तक जरूर आना चाहिए। बहुत खूबसूरत ये मुशायरा चल रहा है, बहुत अच्छा पढ़ के गई मोहतरमा निकतम रोहवी साहिबा और नदीम भाई ने थोड़ी थोड़ी बदमाशियां भी करी। पता नहीं यहाँ पे भाभी मौजूद हैं या नहीं, अगर ना भी मौजूद हो तो सीडी कल घर तक जरूर पहुंचाई जाए, क्योंकि ये तो सीडी का जमाना चल रहा है। उधर हार्दिक की निकल रही है, इधर नदीम भाई की निकलेगी तो क्या बुरी हो जाएगी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर आपसे रूबरू रह लूं और वो सब सुना सकूं जिसकी वजह से आप मोहब्बत करते हैं, आप थोड़ा सा प्यार देते हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं, थोड़ी सी शिरकत हो। इधर जो भी दोस्त हैं उनकी भी रात के 3:15 बजने को हो गए हैं, आप पर ठंड का असर दिखाई पड़ रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, पीछे इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि नजर वहां तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन थोड़ी देर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मैं बहुत लंबा सा सफर तय करके आया हूं और माशाल्लाह अलीगढ़ पहुंचने से पहले जो सड़क शुरू होती है तो उसके गड्ढे ये बताते हैं कि आप सफर नहीं कर रहे हैं बल्कि आखिरी सफर कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला रहा आज भी, और मैंने तो बहुत दिन से सुन रखा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी हैं, लेकिन आज समझ में आया कि गड्ढा युक्त सड़कें कर दी हैं, सारी सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं, थोड़ी सी आप सबकी शिरकत हो। गुजरात में 3-4 दिन से मुसलसल इलेक्शन में हूँ और न जाने क्यों दिल कह रहा है कि बदलाव तो आने जा रहा है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ और आप सबकी शिरकत हो। के चाय वाले बाबू को इनके दोस्त खड़े हैं, इनकी भी शिरकत हो थोड़ी देर। डाइस पे जो लोग खड़े हैं, हिंदुस्तान में तमाम ऐसे मुशायरे होते हैं जिसमें जितनी भीड़ सामने बैठी होती है उतनी तो आज डाइस पे है। इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं लेकिन पूरी रात इन्होंने दाद बात नहीं दी है। इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो तो ये मुशायरा थोड़ा सा अच्छा हो सके। के चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचे तो चाय से बचेंगे तो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। आपने तो बिल्कुल मेरा सारा दर्द और थोड़ा सा जो बुखार था उसे दूर कर दिया, नींद भी थोड़ी दूर कर दी। अब इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर तक आपको सुनाऊं। के चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर। जो मेरे दिल का दर्द है मैं उसे अगले मिसरे में पिरोने की कोशिश करूंगा और मैं जानता हूं कि वही आपके दिल का भी दर्द है। मैं पढ़ता हूं साहब जी, क्या चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, उस नजीब की वाह 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 की माँ क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह
حضرات گرامی یہ جو ہمارے نوجوان ساتھی استقبال کر رہے ہیں اور گلپوشی کر رہے ہیں عمران پرتاپ گڑی کی یہ واقعی ان کے جذبات ہیں عمران پرتاپ گڑی ان کے جذبات کی ترجمانی اپنی شاعری اور اپنے کلام میں کرتے ہیں یہ اسی کا اظہار کر رہے ہیں عمران کو بہت بہت مبارکباد بہت شکریہ یہ ندیم بھائی بڑے بھائی کی طرح ہیں اور اس مشاعرے کو سجانے میں اس مشاعرے کو سنجونے میں انہوں نے بڑی محنت کری ہے اور بالکل دوست کی طرح وہ حکم دیتے ہیں میرے لیے بڑے بھائی کی طرح ہیں اسی لیے تبھی جب انہیں نکھت تھوڑی سی مطلب ڈانٹ پلا رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں یہ برا ہو رہا ہے ان کے ساتھ میری سہانوبھوتی ان کے ساتھ ہے لیکن ایک بڑے کی مزے کی بات بیچ میں ہو گئی جب انہوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہا کہ ان کی بیٹی کی عمر 23 سال کی ہے تو نکت نے بھی نہلے پہ دہلا مارا اور کہا بالکل ان کی بیٹی میری بیٹی جیسی ہی ہے اب اگر ندیم بھائی کی بیٹی ان کی بیٹی جیسی ہی ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے بہت خوبصورت یہ مشاعرہ چل رہا ہے اللہ نہیں خلاصہ میں کیا کروں آپ یہاں کے لوگ ہیں میں کوئی سیاسی پارٹی کے کسی آئی ٹی سیل کا ممبر تھوڑی ہوں کہ خلاصہ کرتا گھوموں آپ بہت محبت والے لوگ ہیں ندیم بھائی سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہ آپ کے شہر کی خصوصیت ہاں بولیں گے نہیں میں بول نہیں رہا بلکہ یہ کہہ رہا ہوں جی میری آپ میری طرف ہے اور یہ نکت کو پریشانی اس بات کی ہے وہ اسے کہہ رہی ہیں یہ آپ کی طرف ہے یا میری طرف ہے تو میں نے کہا ظاہر ہے کہ بارات میں جائیں گے میرے ساتھ تو میری طرف ہوں گے اور اگر وہاں ملیں گے تو آپ کی طرف ہوں گے نہیں میں بھی اس انتظار میں ہوں کہ میری بارات جائے اس سے پہلے میں جتنی زیادہ سے زیادہ باراتیں ہو سکوں کر لوں اور اگر ایک آپ کوئی دوسری بار بھی بارات کرنی پڑے تو مجھے کوئی دقت نہیں ہے انشاءاللہ میں وہ بارات کر لوں گا میں پڑھتا ہوں پھر سے صاحب کہ چائے والے بابو کو چائے لے کے ڈوبے گی چائے سے بچیں گے تو گائے لے کے ڈوبے گی نوٹ بندی جی ایس ٹی سب سے بچ بھی جائے پر اس نجیب کی ماں کی آئے لے کے ڈوبے گی اس نجیب کی ماں کی وقت بہت تھوڑا سا ہے سنانا بہت مجھے کوشش ہاں چھے بجے تک سناؤں بالکل چھے بجے تک کیا کل رات تک سناتا ہوں پورا دن سناتا رہتا ہوں جب تک شہید نہ ہو جاؤں یہاں پر تب تک آپ سنواتے رہو یہ محبتوں کی سرزمین ہے اور آپ جب تک چاہیں گے آپ کا حکم پورا کیے بنا میں جا بھی نہیں سکتا موہن منتظر پڑھ رہے تھے بہت اچھا سنایا انہوں نے اور آخری مصرے پہ انہوں نے کہا کہ میرا یہ پیغام اور میرے دل کا درد اس بے وفا لڑکی تک پہنچا دینا مطلب کبھی کبھی میں اپنی عمر کے دوستوں کو جب اس طرح سے بے وفا لڑکیوں سے پریشان دیکھتا ہوں تو بڑی ترس آتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس ایک حادثے نے انہیں شاعر بنا دیا پچھلے دنوں موہن بھائی شہر سے گزر رہے تھے اوپر بالکنی پہ ایک لڑکی کھڑی تھی اس نے ان کو آواز دی اب عاشق مزاج آدمی ہے ان کو لگا کہ اوپر جانا چاہیے سیدھے اوپر چھت پہ پہنچ گیا اس نے بالکل دروازہ اور وازہ باہر والا بند کیا اور اس کے کہا چلو اپنا کوٹ اتارو ان کو لگا کچھ اچھا معاملہ ہونے جا رہا ہے انہوں نے ترنت کوٹ اتارا جھٹ سے اس نے کہا چلو شرٹ اتارو بندے کے اور کان کھڑے ہو گئے کہ اب یہ تو شرٹ والا بھی معاملہ پھر کہا چلو باقی کپڑے بھی اتارو یہ ایک دم پریشان پھر اس نے اندر سے آواز دی کہا بیٹا شبھم ادھر آؤ بور بیٹا صحیح سے پیا کرو ورنہ حالت ماما جیسی ہو جائے گی تو یہ جو بات ہے صاحب محبت میں اسی طرح کی دشواریاں ہوتی رہتی ہیں مجھے ایک نظم آپ کو سنانی ہے بالکل نئی سی اور اب میں آگرہ سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر کھڑا ہوں تو یہ نظم سنانا کہیں اور زیادہ پراسنگک ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے چار مصرے پڑھتا ہوں صاحب میں گجرات سے آ رہا ہوں اس لیے یہ چار مصرے پڑھتا ہوں کہ تھا شہنشاہ کو غرور بہت میں دیکھ کے آ رہا ہوں خالی کرسیوں کو میں دیکھ کے آ رہا ہوں میں ابھی امریلی تھا پرسوں
जिस जगह मेरी जनसभा थी उससे 500 मीटर दूरी पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब की जनसभा थी। और यकीन करें कि जितनी हम लोगों की जनसभा में भीड़ थी उसकी 1/10 हिस्से वाली भीड़ भी वहां नहीं थी। तो लगने लगा कि नहीं, गुजरात में बदलाव तो आने जा रहा है। तब मुझे लगा कि मुझे ये मिसरे पढ़ने चाहिए। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल भी जो 56 इंच की छाती, एक नाम जिसने पूरे बदलाव का उन्मान लिखा है, मैं उसका नाम इस मिसरे में पिरोता हूं। कल भी जो 56 इंच की छाती, हार्दिक ने उसे सिकोड़ दिया। हार्दिक ने उसे सिकोड़ दिया। रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। चारों तरफ दुश्वारियां हैं, मुश्किलें हैं, सोशल मीडिया पे जलती हुई लाशों की तस्वीरें हैं, मरते हुए बच्चों की तस्वीरें हैं। इस सबके बीच में भी जब इस तरह के मुशायरों के जरिए थोड़े से अच्छे लम्हे नसीब होते हैं तो ये कोशिश की जाती है कि थोड़ा सा आपका दिल बहल सके। मैं एक नज्म सुनाना चाह रहा हूं, लेकिन उस नज्म से पहले चार मिसरे पढ़ता हूं साहब। के रब की राहों में फरियाद तो कीजिए। एक अभियान शुरू हुआ है, कोई भी सुबह के 4 बजे ट्वीट दे मारता है और ये कहता है कि नींद में खलल पड़ रहा है। मैं मिसरे पढ़ता हूं, एक फैशन चल गया है, और ये मिसरे सुनिएगा। के रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। किस में दम है अज़ाब बंद करवाए फिर, किस में दम है अज़ाब बंद करवाए फिर। मस्जिद पहले आबाद कीजिए, मस्जिद पहले आबाद तो कीजिए। एक बहुत 2.5 मिनट की एक छोटी सी नज़्म सुनाता हूं, उसके बाद एक बिल्कुल नई नज़्म सुनाऊंगा। फैशन चल पड़ा है साहब कि रात के 4 बजे शराब ज्यादा पी लेने के बाद कोई भी ऐसा थका हुआ सेलिब्रिटी एक ट्वीट कर मारता है कि अजान से नींद में खलल पड़ रहा है, माइक से अजान हो रही है, गुंडागर्दी है ये तो। मैं एक बात कहता हूं कि मैं इलाहाबाद में रहता हूं, वो इलाहाबाद जो गंगा और जमुनी तहजीब का संगम है। मैं जहां रहता हूं मेरे घर से 500 मीटर भी दूर नहीं होगा, ढेर सारी मंदिरें हैं। और कभी कभी मैं रात मुशायरों के सफर से लौटता हूं, सुबह नींद का मारा रहता हूं, लेकिन वही वक्त जब मंदिरों में आरती शुरू होती है, भजन शुरू होते हैं, वो नींद का बड़ा खास लम्हा होता है। लेकिन आप यकीन करें, मेरी नींद में कभी किसी मंदिर से निकलने वाली घंटियों से या फिर मंदिर से निकलने वाली आरती से मेरी नींद में कभी खलल नहीं पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ पर अजान की आवाज से या फिर आरती की आवाज से कभी किसी की नींद में खलल नहीं पड़ता है। लेकिन ये पिछले 2.5-3 साल में एक नफरत का माहौल पूरे मुल्क में बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी इधर से कोई एक शगुफा उठता है, कभी उधर से कोई एक शगुफा उठता है। जिनकी दुकान बंद हो चुकी है आजकल, उनके पास कोई काम नहीं है, फिर वो यही काम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम साहब की बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों उनका एक बयान और अमीर खुसरो साहब की सरजमीन पर खड़ा हुआ इमरान एक नज्म पढ़ता है। अगर लगे कि हिंदुस्तान की तहजीब की नज्म है तो आप सबकी दुआएं मिले। पढ़ता हूं साहब। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, वहां तक शिरकत हो। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने
कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, के लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडा गर्दी, लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडा गर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, क्या गायक कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, मेरा ईमान मेरा यकीन मेरी रगों में दौड़ता हुआ लहू इन दो मिसरों में अगर ढल गया हो तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब कोई चुप नहीं रहेगा, ये वादा आपसे लेता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब, ये मेरा ईमान कह रहा है कि जिस दिन इस दुनिया में अजान की सदा नहीं आएगी, यहां से वहां तक शिरकत हो आपकी, यही वो वक्त होगा जब शराब का नशा अपने शबाब पर होगा, मैं चाह रहा हूं कि पहुंचाइए मुंबई तक और सच में खलल पड़े इन मिसरों की तालियों से उठने वाला शोर। मैं पढ़ता हूं साहब कि जिस दिन इस दुनिया में अजान की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अजान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, मेरी दुआ और आपकी आमीन शामिल हो उस पे, तुझे हिदायत दे दे अल्लाह, तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। चार मिसरे और पढ़ता हूं, फिर एक बिल्कुल नई सी नज्म आपको सुनाता हूं। ये चार मिसरे मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं नदीम भाई के पिछले 15-20 दिन पहले हम सब की आंखों ने शायद एक मंजर देखा हो, एक तस्वीर देखी होगी कि सेना के किसी बेस कैंप की तस्वीर है और वहां पर कुछ शहीदों की लाशें हैं और वो लाशें आपको हैरत होगी ये जान करके कि वो कागज के गत्ते में लपेटी हुई लाशें हमारे देश के अस्मिता और इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों की लाशें हमने अपनी आंखों से देखी तो गत्ते में लिपटी हुई देखी। मैं उसी गुजरात से आ रहा हूं जहां एक सूट 4 करोड़ से ज्यादा की बोली में बिकता है, तब मुझे लगता है कि हम किस दौर में जी रहे हैं, हम कौन कौन सी बड़ी बातें हमने सुनी थी उनकी तकरीरों में। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, जरा सर जुड़िएगा, मैं कोशिश करता हूं कि उस नज़्म तक आपको पहुंचा सकूं, कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। अब मेरी बात से सहमत हो तो सुन के बताइएगा मुहर लगा के, बड़ा मुश्किल सा सच है जिसे मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूं कि मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नाम कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का,
साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। और चार मिसरे बतौर सुझाव आखिरी के, उसके बाद नज़्म पढ़ता हूं कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, क्या कहना, ऐसे वैसे दस्तूरों को भेजो ना, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। एक नज़्म पढ़ता हूँ, सलोनी राणा साहिबा यहाँ पे बैठी हैं, आगरा से आती हैं वो। अच्छा, मुस्कुरा भी रही हैं, बंदा सीधे वहीं पे नजर गड़ाए हुए है, मतलब उसका कहीं से भी मतलब सेटअप जो है ना वो माइक पर नहीं आ रहा है, उसे पता है कि करंट कहां से मिलना है, कहां से एनर्जी मिलनी है, तो बंदा सीधे। अच्छा, ये पटियाली और इसके आसपास के जो नौजवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी नई सलाहियत दे रखी है, खास तौर से इस फील्ड में। वो पिछले दिनों आपके शहर का एक लड़का जो है ट्रेन में सफर कर रहा था, नीचे दो लड़कियां अगले स्टेशन से चढ़ी, तो दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो गई। लड़का ऊपर वाली बर्थ पे बैठा था, तो पहली लड़की ने दूसरी लड़की से कहा शादी कब कर रही हो, तो उसने कहा तलाश जारी है। तो उसने कहा कैसा शौहर चाहिए, कैसा पति चाहिए, तो उसने कहा कोई करोड़पति मिल जाए तो कर लूंगी। तो पहली लड़की ने कहा अच्छा, मान लो अगर करोड़पति ना मिला तो, लड़की नए जमाने की, उसने कहा कोई बात नहीं, 50-50 लाख के दो कर लूंगी। बंदे के कान और उधर करीब चले गए, लड़की ने कहा अच्छा अगर 50-50 लाख के दो ना मिले तो क्या करोगी, तो उसने कहा कोई बात नहीं, 25-25 लाख के चार कर लूंगी। और कान उसके करीब चले गए लड़के के, पटियाली का था भाई, गंज डुंडवारा का, कासगंज का, ये बड़ी उपजाऊ जमीन है इस मामले में, 25-25 लाख के चार कर लूंगी। तो लड़की ने कहा अगर 25-25 लाख के चार भी ना मिले तब क्या करोगी, तो उसने कहा कोई बात नहीं, जब उदार होना ही है, लिबरल होना ही है, तो 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। बंदे से बर्दाश्त नहीं हुआ, ऊपर वाली बर्थ से सीधे कूद के नीचे आया, बोला बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लाइन में हूं। ये है कासगंज साहब, तो हमें भी पता है बंदों ने कहां नजर गड़ा रखी है, लेकिन बहुत मोहब्बत से इन्होंने सुना। और खास तौर से ये इतना जो तबका बैठा है इस मुशायरे में, इसको सलाम करता हूं, इसने पूरी रात इस मुशायरे को जिंदगी दी है, इस मुशायरे को सबसे ज्यादा बेहतरी के साथ इन्हीं लोगों ने चलाया है। इसका ये मतलब नहीं कि पीछे वाले लोग बिल्कुल उन्होंने दाद वाद नहीं दी है, बस ये है हमारे मुल्क में एक कहावत है कि कुर्सी दे दी जाती है और आवाज छीन ली जाती है, और कुर्सी पर बैठे हुए ज्यादातर लोग अमीर हुआ करते हैं, तो वो कोई काम खुद नहीं करते, ज्यादातर कामों के लिए नौकर रखते हैं, तो हो सकता है ताली वाली बजाने के लिए भी इन्होंने नौकर रखे हों, तो थोड़ा सा आप सबके भी शिरकत होगी तो अच्छा रहेगा। मैं एक नज़्म सुनाता हूं, मैंने कहा ना मैं आगरा के करीब खड़ा हूं, लेकिन मुल्क में एक अभियान शुरू हुआ है। क्या कह रहे हैं चचा? अच्छा, ऐसी बात है, चचा ने कई बार आंख मीच करके कहा नहीं बेटा मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मैं तो सीधे आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप ये ना भी कहते तब भी मैं मान लेता कि आप मेरी ही तरफ देख रहे हैं, बड़े नेक चचा हैं, और जब सामने इतने सारे आपके शहर के लोग बैठे हों तो कैसे कोई बदमाशी कर भी सकता है। एक नज्म सुनाता हूँ नदीम भाई, बिल्कुल नई सी नज्म है, अभी एक आधी जगह पढ़ी है मैंने। एक नई तरह की नफरत की सियासत शुरू कर दी गई है, निशानियों से तकलीफ है, इमारतों से तकलीफ है। पीछे हो जाओ भैया, या तो पीछे हट के बैठ जाओ, वो बिल्कुल ये सब आगे खड़े हो जाओगे तो फिर पीछे जो बैठे हुए हैं उन लोगों का क्या होगा, या तो आप बैठ जाओ यहाँ पे या फिर पीछे चले जाओ। नहीं नहीं बैठ जाओ, मैं भी थोड़ा आगे आ जा रहा हूँ तो थोड़ा और नजर आऊंगा मैं। नहीं, मामला सीधे सिर्फ देखने वाला ही है तो मैं खुद ही आ गया, और इसी तरह से आपने सबको बिठाया तो हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं वहां नजर आऊं ताकि किसी को कोई दिक्कत न रह जाए। नज़्म पढ़ता हूं, डाइस पे बैठे हुए बड़े बुजुर्गों से भी दुआएं मांगता हूं, तमाम शोरा जो हमारे दोस्त बैठे हैं उनकी भी दुआएं मिले। इधर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, इधर ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी बनाने की फैक्ट्री हो, लोग एक एक करके आगे आ जाता है। थोड़ा सा पीछे रहिए, इधर शायरात बैठी है, अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। एक नज़्म पढ़ता हूँ साहब,
आजकल ताजमहल से तकलीफ है। पिछले दिनों एक साहब ने किसी मंच पर खड़े होकर के कहा, आदरणीय विधायक ने, कि ताजमहल गद्दारी की निशानी है, गद्दारों की निशानी है, उसे मिटा देना चाहिए। मैंने एक नज्म कही और वो आपको सुनाता हूं। कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है। उनका 20 दिन पहले का बयान, और कल यूनेस्को ने जो लिस्ट जारी करी उसमें दुनिया की जो सबसे खूबसूरत तरीन इमारतें हैं, अजूबा वाली इमारतें, उसमें ताजमहल को दूसरा मकाम मिला। अभी कल की जो लिस्ट आई, तो मैं नज्म पढ़ता हूं साहब, आप पहुंचिएगा वहां तक। कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। दीवार के हर एक पत्थर में, मैंने देखा है करीब से ताजमहल को, दीवार के हर एक पत्थर में चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। इमरान, वाह वाह वाह, मुबारक हो। 800 सालों की तारीख, मेरे सामने हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि जिन हमारी इमारतों से तकलीफ है, जिन हमारे बिल्डिंगों से तकलीफ है, वो ये भूल जाते हैं कि ताजमहल आज भी एक साल में ताजमहल को देखने के लिए तकरीबन 20 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है, और वो इस मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। अपने बनने के सैकड़ों साल बाद हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है, मुल्क की तरक्की के लिए जाता है, और आप कहते हैं कि निशानियां मिटा दी जाए, बर्बाद कर दी जाए। मैं पढ़ता हूं साहब, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, के तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। मैं नाम गिना रहा हूं आपके तमाम बुजुर्गों का, और आपके दिल में जो एहतराम है वो तालियों में बदलेगा। के तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। तालियां संजोइएगा, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, जिनको जाना था चले गए, जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे।
झुठलाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने क्या कहना अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने जब करुणावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने जब जब बहनों से हाथों पर अपने राखी बंधवाओगे हमको ही हमको पाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे ये कौन लोग निकल आए हैं जिन्हें इजाजत मिल गई है कि वो कुछ भी बोल दें किसी को भी कुछ भी कह दें ये जो पिछले तीन साल का मुल्क का माहौल है मैं बंद पढ़ता हूं मायूसी कुफ्र है डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं मायूसी कुफ्र है वक्त को पहचानो वक्त से आंख मिलाओ जो वक्त से आंख नहीं मिलाते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था वो वक्त को नहीं पहचान सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं ये आपको समझना पड़ेगा मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ बोलो क्या क्या झुठलाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे के जमुना का किनारा अपना है हर एक नजारा अपना है वो भूल भुलैया अपनी है वो कुतुब मीनारा अपना है ये जो बीच में गैलरी में बैठे लोग हैं थोड़ा सा आपकी भी पेदारी मिले चौथे मिसरे पे के जमुना का किनारा अपना है हर एक नजारा अपना है वो भूल भुलैया अपनी है वो कुतुब मीनारा अपना है टुकड़े टुकड़े की मत सोचो सारा का सारा है वाह 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 चौथे मिसरे पर फिर से पुकारता हूं आपको कि जमुना का किनारा अपना है हर एक नजारा अपना है वो भूल भुलैया अपनी है वो कुतुब मीनारा अपना है टुकड़े टुकड़े की मत सोचो सारा का सारा अपना है 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है ये मुल्क और इसका ताना बाना बड़ा खूबसूरत है ये जो चंद नफरत की बातें करने वाले लोग हैं उनसे सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि जो जो तुमने बनवाया है मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि टुकड़े टुकड़े की मत सोचो सारा का सारा अपना है 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है जो जो तुमने बनवाया है उसको किस दिन गिनवाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे इमरान मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूँ इस गीत का बहुत खूबसूरत गीत है बड़े सजे हुए लफ्ज जिस तरह से आ रहे हैं मैं खुद चौंक रहा हूं ये पहली बार आज गीत सुन रहा हूं मैं चाहता हूं कि इसका पहला बंद एक बार फिर सुनना चाहता हूं मैं और चाहता हूं कि ये जो कासगंज जिले के तमाम लोग और यहां लखनऊ और प्रतापगढ़ इलाहाबाद मोहान और अलीगढ़ और तमाम लोग जगह से लोग आए हैं
ये लोग एक बार मेरी इस गुजारिश पर मेरा साथ दें, सारे लोग मिलकर जोरदार तालियों से मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएं, और मैं गुजारिश करूं इमरान प्रतापगढ़ी से कि वो पहला बंद एक बार फिर पढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया नवीन भाई, मैं खुद मेरे दिल से निकली हुई नज्म है ये। उस दिन उस बयान को सुनने के बाद मैं बहुत सोचता रहा कि क्या कहा जाए, तब एक नज्म ही मैं पढ़ता हूँ साहब के, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, के बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से गालिब की गजल से नफरत है, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताज से नफरत है, के मुमताज से जो धावाई तक, मुमताज से चौथा बाई तक चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब, चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, वाह कई चेहरे हैं, एक बयान देता है, दूसरा टीवी चैनलों पे बैठ के उसे डिफेंड करता है, और जब बयान उल्टा पड़ जाता है तो साहब जाके सफाई भी कराते हैं। आपको याद होगा आगरा पहुंचे थे, सफाई अभियान शुरू हुआ था, तब मैंने ये बंद कहा साहब कि चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, इतिहास की हर सच्चाई को माथे से लगाना पड़ता है, आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है। ताजमहल किसी मुस्लिम इमारत का सिंबल नहीं है, ताजमहल सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का सिंबल है, ताजमहल हिंदुस्तानियत का सिंबल है, उसे मजहबों के खांचे में न ढाला जाए, हम बस यही गुजारिश करते हैं। आखिर में एक बंद एक नज्म आपको सुना करके विदा लेता हूँ, चार बज चुके हैं, बड़ा खूबसूरत सा ये मुशारा है, मुझे नजीब की नज्म सुनानी है, क्योंकि आपकी विधायक जी जो मेरे लिए बिल्कुल माँ की तरह हैं, माँ की तरह उनकी हमेशा दुआएं मिलती रही हैं। मैं नजीब की नज्म सुनाना चाह रहा हूँ, आप अगर सुनने के मूड में हो तो मैं नजीब की नज्म सुनाऊं, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ ठीक है, हाँ फलस्तीन भी सुना दूंगा, सब सुना दूंगा, बीच में जो एक दो दोस्त बहुत सुबह हो जाने की वजह से उठ रहे हैं, मैं जानता हूँ आपको बहुत शाम से, शाम 8 बजे से बिठा के रखा गया है, 7 बजे से बैठे हुए हैं, तो सुबह के 4 बजे जाके ही आप क्या कर लेंगे, इस वक्त जा करके सोती हुई शेरनी को जगाने पे मार खाने का भी खतरा है, तो बेहतर रहेगा कि थोड़ी देर ही गुजार लीजिए, और ये मुशारा बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। मैं एक नज्म सुना दूं नजीब की, उसके बाद आपकी एक आध फरमाइशी नज्म सुना दूंगा, तमाम हिंदी मंचों के कुछ अच्छे लोग आज मुशायरे में उनसे मुलाकात हुई, तो मेरा मन कर रहा है मैं ये नज्म सुनाऊं साहब, इधर जो दोस्त हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं थोड़ी देर, 5-7 मिनट बिल्कुल मुशायरे का आखिरी लम्हा है। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, एक बार मुझे ताली बजा के माहौल दे दे कि मैं इस नज्म को सुना सकूं। दिल्ली से एक माँ जो आपके पड़ोस के बदायूं की रहने वाली है, उस माँ का 25 साल का एक बेटा पिछले 1 साल 2 महीने से गायब है, उसका कोई सुराग नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं कि वो बेटा कहाँ है, वो दिल्ली में चीख चीख करके सरकार से कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं, इधर निकल के किनारे खड़े होने चाहते हैं तो खड़े हो जाएं, लेकिन थोड़ी देर मेरे साथ खड़े रहें, इस नज्म को जरूर सुने, बजाएं ताली एक बार, मैं नज्म पढ़ना शुरू करूं साहब।
के सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। किसी नज्म के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरे साथ बैठे हुए लोग मेरी इस नज्म को मेरे साथ गा रहे हैं। मेरे लिए इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती। मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, सबके दिलों की जान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने। ये आप सबकी दुआओं का सदका है, आप सबकी मोहब्बतों का सदका है। मैं पढ़ता हूँ साहब। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अशकों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। वाह वाह वाह। मेरी जिंदगी में तमाम मुशायरों में मैंने इस नज्म को पढ़ा है, लेकिन आज मेरी जिंदगी का सबसे खास लम्हा इसलिए है कि मेरे साथ हजारों लोग इस नज्म को गा रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये नज्म आपके दिलों तक कितना पहुंची हुई है। मेरे भी दिल के बहुत करीब है ये नज्म, क्योंकि जब मैं पहली बार मिला था उस माँ से, तो उस माँ को देख करके न जाने क्यों मुझे लगा था कि अगर उस माँ की जगह मेरी अम्मी होती तो, गायब नजीब की जगह अगर कोई इमरान होता, कोई अशोक होता, कोई अनिल होता। तो मैं पढ़ता हूँ, आगे के दोस्तों से गुजारिश की थोड़ी देर साथ सफर कर लेंगे। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। मैं यहाँ मीडिया के साथियों से गुजारिश करूंगा कि कल आप ये छापें कि नजीब खुद की तलाश की मांग के लिए हजारों लोगों ने सरकार से कहा कि कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। उस माँ की आवाज बनकर के कासगंज के बच्चे बोल रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब, यहाँ का बच्चा बच्चा नजीब है। नजीब सिर्फ नजीब नहीं है, नजीब सिंबल है, शिमला है नजीब। ऑक्सीजन की कमी से मारे गए 273 से ज्यादा बच्चों की सांसों में बसने वाला नाम है नजीब। सिंबल है इस मुल्क में गायब बच्चों का। मैं पढ़ता हूँ साहब, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 15 अगस्त को लाल किले की दीवारों पर खड़े होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तीन तलाक के मुद्दे पे मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। मेरा मन करता है कि मैं जाऊं उनके आवास के बाहर, 7 RCR के बाहर, और चीख करके उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन, वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मैं जानूं कि आप सच में हक दिलाना चाहते हैं। वरना सियासी लफाजियां आपने पास रखी है साहब। हमें पता है जो अपने घर में अपनी बीवियों को हक नहीं दे पाए वो दूसरे की बीवियों को हक दिलाने की कोशिशों में लगे हुए। मुल्क अजीब दौर से गुजर रहा है।
कि उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का माल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे ला मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। अब थोड़ी देर आपकी चुप्पी मांगता हूँ, आपकी खामोशी मांगता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे गुस्से में आप शामिल हों। जितना इस देश की हुकूमत से गुस्सा हूँ, सिस्टम से गुस्सा हूँ, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मैं उनसे हूँ जिन्हें इस देश का चौथा खंबा कहा जाता है, यानी कि मीडिया, जो नाग और नागिन की खबरें चला करके चैनलों पर, और ये कहते हैं कि ये है जर्नलिज्म, ये है पत्रकारिता। मैं एक बंद पढ़ता हूँ साहब, छोटे छोटे शहरों में रहने वाले पत्रकारों को सलाम करता हूं, क्योंकि आप अपनी जान मुश्किल में डाल के अपनी स्कूटर से, अपनी मोटरसाइकिल से खबरें तलाश करके दिल्ली भेजते हैं, तब न्यूज रूम में एसी कमरे में कॉलर टाइट करके एंकर बाबू कहते हैं कि ये है पत्रकारिता, लेकिन उन्हें नाग और नागिन तो दिखती है, उन्हें हनीप्रीत और बाबा राम रहीम की गुफा तो नजर आती है, लेकिन उन्हें एक माँ के आंसू नजर नहीं आते जो उनसे 4 किलोमीटर की दूरी पर रो रही है। शायद इसलिए क्योंकि उस माँ के गायब बच्चे का नाम नजीब है। माँ के आंसुओं की तो कोई जात नहीं होती, माँ के आंसुओं का तो कोई मजहब नहीं होता, माँ तो सिर्फ माँ होती है। काश उसके आंसू देख पाते। मैं बंद पढ़ता हूं कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। बड़ी हिम्मत का मिसरा पढ़ रहा हूं। मुझसे कहा गया कि इमरान ये मत पढ़ा करो वरना कभी किसी टीवी चैनल के स्क्रीन पर नहीं दिखाए जाओगे। मैंने कहा मैं आज तक कभी दिखाया भी नहीं गया हूं, लेकिन मैं लोगों के दिलों में हूं ना। इससे ये पता चलता है कि लोगों ने बिना किसी टीवी चैनल की मेहरबानी के मुझे अपने दिलों में बिठाया है, बसाया है, तो मैं किसी टीवी चैनल का मोहताज नहीं हूं। जो सच है वो बोलूंगा, क्योंकि अगर सच नहीं बोलूंगा तो मैं इमरान नहीं रह जाऊंगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। बड़ी कमजोर ताली बजाइए आपने, इससे काम नहीं चलेगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ, इधर के लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है इन मिसरों पर। के ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहेब से एक माँ की रुदाद कहना, कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहेब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहेब, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहेब, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहेब, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहेब से एक माँ की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बहना
ना जाए ये नफरत की दीवार छत पे है ना जाए है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहेब है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहेब कहीं आपकी सल्तनत पहे न जाए के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का क्या कहना मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मेरे अपने समाज के लोग बैठे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं मेरी नई नस्लों बड़ी जिम्मेदारी से कि आप ये मत समझना कि नजीब की तलाश के लिए सिर्फ इमरान आंसू बहा रहे हैं इमरान नज़्में पढ़ रहे हैं। दिल्ली के जेएनयू के बसंत कुंज थाने के बाहर सबसे ज्यादा नजीब की तलाश के लिए जिन लड़कों ने लाठियां खाई हैं उनका नाम मोहित पांडे है, चेतना द्विवेदी है, रवि प्रकाश है, रवि रंजन है। इस देश का ताना बाना बड़ा खूबसूरत है। इस देश में नफरत वाली ताकतों की तादाद बहुत कम है। इस देश का 85% से ज्यादा हिंदू भाई आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके सुख दुख में खड़ा है। ऐसे लोगों को मजबूत करिए, ऐसे लोगों को ताकत दीजिए, क्योंकि यही हिंदुस्तान है, इसी को बचाने की लड़ाई लड़ना है। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बिल्कुल जाते जाते दो ढाई मिनट अजान का वक्त, कितने बजे हैं यहाँ पर? अच्छा टाइम है। उस तरफ लंकेश जी बैठे हैं और मैं उन्हें देख करके एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। हाँ पढ़ दूंगा, लेकिन पहले उससे पहले एक नई नज्म सुनिए। ये खूबसूरत सी अमीर खुसरो के नाम पे सजाई गई महफिल है और यहाँ बर्मा वाला भी पढ़ दूंगा, पहले एक नई नज्म तो सुन लीजिए, फिर बर्मा वाला पढ़ दूंगा। एक नई नज्म सुनो। पूछता है तिलक से वजू चीख कर, लंकेश भाई सुनिएगा आपके मन की नज़्म है, थोड़ी देर आप भी जुड़िए साथ में। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर, जब बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। बिल्कुल आखिरी लम्हा और चार मिसरे। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, यो हुस्न पानी है क्यों कर गुरूर आता है। आपकी विधायक जी से बात हो गई है, अगली बार ये मुशारा दो दिन होगा, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी, एक दिन सिर्फ शायरी सुनाई जाएगी, तो आप या तो बैठ जाएं या तो किनारे खड़े हो जाएं। अच्छा आप भी या तो बैठ जाएं या तो किनारे खड़े हो जाएं। चार छह दस मिनट में कोशिश और कर रहा हूं कि जो एकाद आपकी फरमाइशें हैं मैं उन्हें पूरी कर दूं। आप बैठ जाएं और जो बैठा रहे हैं वो भी बैठ जाएं। भाई आप भी बैठ जाएं, बैठिए तो फिर सुनाना शुरू करो। बर्मा वाली सुनाना भाई, चार पांच नज़्मों की फरमाइशें, एक सुनाऊंगा। बर्मा सुना दूं, फलस्तीन सुना दूं, या मदरसा सुना दूं,
या कश्मीर सुना दो, कौन से सुनाओ, मदरसा सुनाओ। अच्छा पहले पहले दो बंद मदरसे का सुना देता हूँ, फिर दो बंद बर्मा का सुना दूंगा, तो एक नस्ल दोनों का काम। अच्छा आधा फलस्तीन भी सुना दूंगा। के मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से यहाँ पुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ पुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती, कभी नहीं कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। बहुत शुक्रिया, यह हुक्म भी पूरा कर दिया मैंने। अब अरे भाई, अब भैया तो आप माला ही पहना लीजिए, या तो फिर मैं सुना ही लूं। नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। मैं एक एक अच्छा अच्छा कुछ और कोई फरमाइश पूरी नहीं करूंगा, एक नज़्म सुन लीजिए फिर खत्म करता हूं सफर। पढ़ लेने दो भाई आप लोग। अच्छा अब आप खड़े ही रहिए, जहां खड़े वहीं खड़े होकर सुन लीजिए। के वारे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार, कभी कभी आप इतनी मोहब्बत लुटाने लगते हैं कि अच्छा चलिए मैं चार हो गया भाई भाई। चलिए बहुत शुक्रिया। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, मेरे आंसू संभाल कर रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें इन इस प्यार के लिए, कामयाब इशारे के लिए। आदरणीय विधायक जी को बहुत सारी मुबारकबाद, शुक्रिया।
Go, 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 go